दोस्तों, मैं पंकज धवानिया और आज जो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसके कनेक्शन बताएंगे ऑटो स्विच के। जो ऑटो स्विच होता है 9 तार वाला, उसके एक व्यूवर ने हमें कमेंट करा, 2-3 दिन से दुखी है वो, तो उसके हम थोड़ा आइडिया बता रहे हैं। ये देख लें, स्टॉप डेल्टा स्टार, उसका मैं फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, ये फ़ोटो देख लें। तो ये इसी तरीके से है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो आप देख सकते हैं। और ये 3 ब्लैक है, 3 2 ग्रीन है, 1 रेड है, 1 येलो, 1 ब्लू, 1 वाइट। ये इसमें स्टार्टर में तार हैं, सब में यही होते हैं, ठीक है ना। आप जो अपने उसमें देखोगे थोड़ा गौर से तो आपको दिखाई देगा। और ये देख लें, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कनेक्शन दिखाने की आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके ऐसे ऐसे 3 ब्लैक तार होते हैं, 1 ब्लैक तार में गांठ लगी रहती है, ठीक है ना। ये ब्लैक तार है और 3 ब्लैक में से 1 में गांठ लगी रहेगी, जो कॉमन होता है। ये देखें आप, उसमें इस तरह से गांठ लगी रहती है, इस चीज़ का ध्यान देना। उस ब्लैक तार को आपको, जो उसमें 2 ग्रीन है, उनमें 1 ग्रीन लेना है और 1 ग्रीन में शॉर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये मैं ले लेता हूँ पॉइंट के रूप में, जी आप समझ लें, क्योंकि मैं भी स्टार्टर नहीं है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। और जब कोई दुखी रहता है तो थोड़ा सही नहीं रहता ऐसा, तो मैं थोड़ा डायग्राम से बता रहा हूँ। तो ये देखें, हमने ये ब्लैक 3 तार हो गए, ग्रीन 2 तार हो गए। अब मैंने दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर दिया आपस में, ठीक है दोस्तों, दोनों तारों को शॉर्ट कर दिया। अब ये देखें, ये स्टॉप है, स्टॉप में से जो 1 तार लगा निकला रहता है, 1 फेस में से जो हमारा डायरेक्ट फेस आएगा, तो उसे हमें काट देना है। ये देख ले, इसे हटा देना है हमें। हटाने के बाद जो हमने ब्लैक और ग्रीन जो आपस में जोड़े थे वो हमें लाइन में लगा देना है, ठीक है ना। तो या तो आप उसे हटा दो या टेप लगा के कहीं भी रख सकते हो, तो उसमें जो शॉर्ट ना हो। तो अब हमने देखे, अब ये हमारा 1 ग्रीन बचा, ये हमने स्टॉप के उसमें लगा दिया, तो एक तरह से सीरीज का काम करेगा ये हमारा, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा समझो, समझने के बाद कोई सा भी स्टार्टर आप कर दोगे। इसी तरीके से अगर ऐसा होंगे, स्विच ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 2 ब्लैक बचे हमारे, इसमें L1 L2 में लगा देंगे, और ये ऊपर नीचे भी चेंज कर सकते हैं। जब हमारा स्टार्टर कोई दिक्कत करता है, बिलिंग करता है LED, या जली रह जाती, रेड वाली नहीं काम करती, तो हम ब्लैक को चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अब स्टार्ट जो स्टार है, स्टार्टर स्टार्ट का बटन है ग्रीन वाला, अब इनमें से हम लगाते हैं। ये देखें, अब ये 2 पॉइंट होल ले लेते हैं हम, रेड और वाइट। ये रेड और वाइट ले लिया, तो हमें एक रेड इसमें लगाना है स्टार्ट में, और एक वाइट लगा देना। वाइट हमारा उसी में लगेगा जो हमारा स्टॉप में शॉर्ट हो रहा है। आप ये ध्यान दे लें कि जो स्टॉप में शॉर्ट हो रहा है 1 तार, उसी में हमें वाइट का लगाना है, क्योंकि उसमें अलग लगेगा तो काम नहीं करेगा। तो वाइट हमें उसमें लगाना है जो स्टॉप में शॉर्ट हो रहा है, आपस में दोनों पॉइंट शॉर्ट कर रहा है, तो ये उधर कनेक्शन पहुँचाएगा, ठीक है ना। और रेड जो अच्छा अदर होता है उसमें लगेगा ये, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। अब हमारा ये बचा है, अब येलो और ब्लू बचा है, ठीक है जी। तो येलो ब्लू में अब हम अब देखें लगाते हैं। ये येलो वाला बचा है हमारा, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले ब्लू ले लेते हैं। ये देखें, ब्लू लेके हम अब जो हम ब्लू ले लेते हैं, ब्लू को हम लगा देते हैं ब्लू के एक पॉइंट में। ये ब्लू के एक पॉइंट पर से हम एक पॉइंट छोड़ा है, इसमें से पॉइंट जो तार लगा रहता है, उस तार को खोल के हम एक तरफ हटा देते हैं। एक तरफ का हटाना है, ना कि दूसरी तरफ का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो इस तरफ का हटाना है, वही वाई जो हमारा येलो है, पीला तार है जो इसका हटा हुआ है, ये यहाँ से हटा हुआ है, जो इसे हम हटा दिया है, देखिए यहाँ से हटा दिया है। हटाने के बाद ये वाला पीला तार इसमें जोड़ देना है, तो ये भी हमारे एक तरह से सीरीज में काम करेगा, ठीक है जी। दो कनेक्शन हमारे ऐसे हो गए, और ये हमारे मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हमारे इसके कनेक्शन होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, जो हमारा वाइट से और स्टॉप में शॉर्ट होगा, वही तार इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें हम गलती कर देते हैं कि वो नहीं लगा पाते, और इसमें ध्यान नहीं देते कि कौन से में लगाना है, तो इसका आपको ध्यान देना है। ये देखें, मैं थोड़ा आइडिया कर देता हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। तो ये देखें, तार शॉर्ट है, ये देखें, ये ऐसे लगा दिया, अब ये अलग से तार कर दिया हमने, ये उधर से इधर शॉर्ट है। आप ये ऐसे भी देख सकते हो कि सीधे हाथ से और सीधे हाथ पे शॉर्ट है, वो लगाया है। तो स्टार्टर में कुछ भी हो सकता है, मैं एक आपको डायग्राम की मदद से बता रहा हूँ। कोई सा भी स्टार्टर हो, आप स्विच इधर उधर रख के स्टार्ट का इधर, स्टॉप का इधर रख के कोई सा भी किधर कर सकते हो।
तो मैं थोड़ा निशान लगा देता हूँ, ब्लू का ब्लू हो गया, ये येलो तार हो गया, येलो हमारा कहाँ लगा है, और जो हमारे ब्लैक और ग्रीन तार यहाँ पे लगे हैं, और जो एक ब्लू वो सॉरी ब्लैक ब्लैक दो यहाँ लग गए हमारे, जिस तरीके से तार लग गए। अब आप देख सकते हैं ये नो नो वायर के LED वो हैगा, और जैसे LED होती है, LED में लाल बल्ब जल रहा हो तो ये ब्लैक दोनों चेंज कर देना है, ये लेफ्ट से राइट, राइट का लेफ्ट कर देना है हमें, या बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा हो तो भी हमें इसे चेंज कर लेना, तो हमारा स्टार्टर सही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये नो नो वायर का तार हमारा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसमें लगता है ज़्यादातर, और नहीं तो 5-6 इसका लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके मैंने आपको ये कनेक्शन बताए हैं, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हुई है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये यहाँ से जो तार गया था वो हमने हटा दिया है, मतलब हमने हटा ही दिया है, कई बार टाँका लगा रहता है तो उसे निकाल के यहाँ से टेप लगा के तो इसे तार लगा सकते हो आप, ग्रीन तार, इस पर ग्रीन एक सीरीज तरह से हो जाएगा जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक ही स्टार्ट और ऑफ करेगा, जो भी हमारे लाइट चली जाएगी तो हमारे मोटर को सेफ्टी रखेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।